इसमें एक गांजा सिगरेट सब पहुंचवाते हैं, सब कौन पहुंचवाता है? सब जितना स्टार वाला है सब, कॉन्स्टेबल नहीं, वो लोग तो ईमानदार है, स्टार वाला पहुंचवाता है सब, पहुंचवाता है सब, और वहाँ पे गांजा पी के सिगरेट पी के मुंह पे थूक देता है सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ रिचा शर्मा। 22 सितंबर को उस समय पटना कोर्ट में अफरा तफरी मच गई जब यूट्यूबर मनीष कश्यप आग बबूला हो उठे। 6 महीने बाद ये पहली दफा है जब मनीष कश्यप ने कोर्ट में पेशी के दौरान जमकर हंगामा किया। गिरफ्तार होने के बाद पहली बार मनीष कश्यप ने न सिर्फ बिहार सरकार पर हमला बोला बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार पर भी निशाना साधा। लेकिन इस दौरान मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। मनीष कश्यप ने आरोप लगाया है कि उन्हें नशेड़ियों और गजेड़ियों के साथ रखा गया। उन्होंने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया कि जिनके भी सिंगल और डबल स्टार लगे हुए हैं वो अधिकारी भ्रष्ट हैं। मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा पहले सुनिए। नशा के विरोध अभियान चलाता हूँ, आप लोग देखते हैं, और हाजत में ही लोग इसमें एक गांजा सिगरेट सब पहुँचवाते हैं, सब कौन पहुँचवाता है? सब जितना स्टार वाला है सब, कॉन्स्टेबल नहीं, वो लोग तो ईमानदार है, स्टार वाला पहुंचवाता है सब, पहुंचवाता है सब, और वहाँ पे गांजा पी के सिगरेट पी के मुंह पे थूक देता है सब। बताइए, हम गवाह खड़ा करेंगे हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर गवाह खड़ा करेंगे हम। ये चीज है, एक आदमी को जो तीन आदमी को जो है दो को पुलिस, तीन तीन को पुलिस लेके आता है, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रहता है यहाँ पे। बताइए, ये सच्चाई है। देखिए नीतीश कुमार जी, देखिए आप पत्रकार के स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, देखो स्वतंत्र पत्रकार स्वतंत्र तरीके से आवाज उठा रहा है कि हाजत में चेक कराइए, गांजा से लेकर स्मैक तक आता है, सब स्मैक आता है। 2 ग्राम स्मैक आ जाएगा तो 1 साल तक का सजा हो जाता है, अंदर जेल में आदमी चला जाता है, और हाजत में 20-30 ग्राम 25-30 ग्राम स्मैक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस पर कई गंभीर आरोप खड़े किए। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर सच्चाई है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है मनीष कश्यप ने जो दावे किए उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।